गाइस वेलकम टू गाइडली कैसे हैं आप लोग वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस लाइक अबनीत सक्सेना दीपक शर्मा गुड इवनिंग दीपक एंड ऋषभ अबनीत का तो हेलो हो गया कैप्टन रेडपूल हाँ काफी टाइम बाद कैप्टन आए हैं क्लास में बिकॉज ही इज वेरी प्रो इन रीजनिंग क्वेश्चन है ना <laughs> चलो के बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं हम किसकी अभिलाषा कुमारी है राधे है दूसरी बार गुड इवनिंग सर जी गुड इवनिंग अश्वनी दुबे गुड इवनिंग सो सब लोगों को गुड इवनिंग भाई सब लोग -फट। आ जाओ यहाँ पे फटाफट ट्वेंटी थ्री स्टूडेंट्स आर लाइव लेगेट हेलो लेगेट लेगेट ओफ आकाश दत्ता एस बी आई जे हैं जूनियर असिस्टेंट चलो बहुत बढ़िया आप लोग का सिलेक्शन हो जाए दिल से दुआ यही है आप लोग की मेहनत रंग लाए बस और कुछ नहीं ठीक है ना तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं एक मंथ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे मंथ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि पजल है आपकी जिसको हम लोग कंबाइन कर दिए हैं ब्लड रिलेशन के साथ ठीक है ब्लड रिलेशन के साथ हम लोग ने कंबाइन कर दिया अच्छा दूसरी चीज एक आपका अल्फा न्यूमरिक है अच्छा देखा जाए अल्फा न्यूमरिक की अगर हम तुम्हें हिस्ट्री बताए तो मुझे लगता है ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि पीओ के मेंस में दे बट मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपके के क्लर्क के मेंस में देने की और देखो अगर क्लर्क के मेंस में आएगा तो ये मैक्सिमम तीन से चार क्वेश्चन अगर ये पीओ के मेंस में आएगा, केवल दो ही क्वेश्चन पूछेगा या फिर एक क्वेश्चन पूछेगा पर टाइम अपना पूरा लेगा ये क्वेश्चन इसमें होता क्या है हमें स्टेप परफॉर्म करना पड़ता है हमें कभी कभी पूरी स्टेप्स पूरी सीरीज को लिखना पड़ता है कभी कभार ठीक है तो मैं क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं बट आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ स्केड्यूल आप सभी लोगों को बता दें जितने लोग न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं सबसे पहले एक काम आप लोग करना है बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं पर वो लेफ्ट कर जाते हैं बट मैं उन सबसे यही बोलूंगा कि भाई आप लोग अगर छोड़ रहे टेलीग्राम चैनल तो क्लासेस की अपडेट्स आप ही लोगों की मिस होंगी मेरी नहीं होंगी मैं तो अपने टाइम पर लूंगा तो सबसे पहले अगर आप टेलीग्राम जोड़ना चाहते हैं मेरे से तो आपको सर्च करना है एट द रेट रोहित सर करना है रोहित सर

बाकी आपका डे थ्री जो कि आज है और जो अपकमिंग डे दैट मीनस टूमारो क्लासेस हम लोग डे फोर में मैट्रिक्स बेस्ड पजल करेंगे और एक रो बेस्ड अल्फा न्यूमरिक करेंगे तो गाइज ये पूरा स्केड्यूल आपके सामने है फ्री क्लासेस का जो मैं यूट्यूब पे लेता हूं तो आप सभी लोग देख सकते हैं दूसरी चीज अच्छा बहुत लोग स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि सर आई बी में मैंने फिफ्टी एट अटेम्प्ट किया मींस तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए बिल्कुल यार तुमने अगर 55 भी किया है ना तो normalization मिला के 58, 59, 60 जा जाएगा और जो कि कट ऑफ भी इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग मैं जितना देख रहा है मैंने बच्चों के अटैम्प देखे हैं तो मैं उस तरीके से बता रहा हूँ बस और कुछ नहीं ठीक है ना बाकी बेस्ट ऑफ लक गाइज आप लोगों का प्री हो या ना हो आपको मीन्स तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आज नहीं तो कल कभी तो पुर...

चलो तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे ये रहा हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये लो मैं पीछे हो जाता हूँ ये लो हिंदी इंग्लिश दोनों में तो है हिंदी वाला ये रहा और इंग्लिश वाला ये रहा ए मेरा हाथ कहाँ गया ए ये रहा कैसे पता नहीं यार कैसे आएगा <laughs> मेरा इमेज बन रही है चलो सर एक बार ओनली फ्यू वाला रोमन रीड नहीं भाई अब ओनली फ्यू वाले अच्छा ओनली फ्यू वाले में रोमन रीड बताएंगे उसमें वो पराग मैं बताता हूँ पराग का जो डाउट था मैं समझ गया और पराग क्या कहना चाह रहा था और जो मैं समझा रहा था वो अलग चीज जा रही थी पराग और रोम... कल हम लोग ओनली फ्यू वाले को फिर से पेट की क्लास में डिस्कस करेंगे ठीक है तो चिंता ना करो उसको हम लोग बहुत अच्छे से बताएंगे एक उसकी

फाइव डिफरेंट मंथ में है दैट इज जनवरी मार्च जून सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर और हर दो डिफरेंट डेट है दैट इज ग्यारह और अट्ठाईस तो एक काम करते हैं हम एक प्रॉपर एक जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो बना देते हैं और देखो जब हमें अता पता कुछ नहीं मिलता है ना भाई मेरे तो मैं सिंपल एक चीज करता हूँ मुझे फैमिली ट्रिप पे फोकस करना जितने लोग से फैमिली ट्री बन जाए सबसे पहले एक बार जरूर कॉमेंट सेक्शन बता रहे कि सर फैमिली ट्री हमने बना लिए है ना चलो फैमिली ट्री देखते हैं बनती कैसे है क्या करना है ठीक है सबसे पहले हम जनवरी लिख लेते हैं यहां पे ग्यारह इकतीस का होता है मार्च इसका ये भी होता है मुझे लगता है ये तो तीस का होता है यार है ना सितंबर भी इकतीस का ही होता है क्यों यही ना और अक्टूबर आपका होता है इकतीस का।, का मेरा एक सजेशन है तुम लोगों को प्लीज एक बार रीड कर लो पूरा क्वेश्चन तो बहुत सी चीजें पता चलेंगी अगर इम्प्लीमेंट करने बैठे लाइन टू लाइन ना तो मे भी शायद एक दो पॉसिबिलिटी बनेगी बट वो पॉसिबिलिटी काम की नहीं होगी बट एक बार रीड कर लो क्लूज लिखना चाहते हो तो क्लूज लिख लो बेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन हमेशा मैंने तुम लोग को सजेशन यही दिया मीनस का सवाल मतलब क्लू क्लू लिखना है ठीक है ना चलो हम भी देखते हैं कि क्लू कहाँ तक तो जाता है यार क्योंकि मेरा पहला फोकस तो फैमिली ट्री पे ही रहेगा ठीक है सर आई एम न्यू जगेश्वर साहू कोई बात नहीं सर रिवर्स लॉक्स की कोई ट्रिक है या ऑप्शन से सॉल्व करें पुष्पंदर सिंह ऑप्शन से करो ज्यादा बेस्ट रहेगा ठीक है ना शुरू किया जाए गणेश जी का ना नाम लेके राधे राधे बिल्कुल बिल्कुल शुरू किया जाएगा ठीक है <coughs> स्टार्ट करते हैं कहता है क्या जे बॉट अपाइक लाइक ऑट नंबर डेट दैट इज ग्यारह को करेगा ये बात पता चल रही है एंड हैज अंथ ऑड नंबर ऑफ डेज ऑड नंबर ऑफ डेज दैट मीन्स की यहाँ पर अगर हम पॉसिबिलिटीज की बात करें तो तीन पॉसिबलिटी आ जाएगी मेरी ठीक है बट हम अभी नहीं बनाएंगे <laughs> इतना याद है कि जे कैन भी हेयर ए कैन भी हेयर क्योंकि ऑड नंबर ऑफ डेज दैट इज जनवरी मार्च और सेप्टेम्बर जे here, तो, तीन तो तीन केस बन जाएंगे ना मेरे यहाँ पे बच्चे यहाँ पे तीन केस बन जाएंगे कोई बात नहीं बी एंड द फादर ऑफ बी बॉट एडज टू इच अदर अब मुझे यह भी नहीं मालूम कि फादर ऑफ बी कौन है बट इतना पता है, एक है और बी का कोई ना कोई एक फादर होगा ये बात हमको पता है क्योंकि तो अब हम फैमिली ट्री पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि मेरा वही एकदम नजर होनी चाहिए उसी पे ही ठीक है ओनली टू परसन बॉट बिटवीन जे एंड जे सन जे है और जे का सन बी है ध्यान दीजिएगा जे है और जे का कोई एक सन भी है अभी हमें कुछ भी नहीं मालूम बच्चे सिर्फ जो चीजें पता चल रही हम सिर्फ उतने लोगों को लेते हुए चल रहे जे हैज ओनली वन मैरिड चाइल्ड अब वो महिला हो सकती है कि पुरुष हो सकता है अभी हमें ये भी नहीं पता बट ये पता है जे हैज ओनली वन मैरिड चाइल्ड अच्छा ओनली वन मैरिड चाइल्ड अच्छा ये बोला है ओनली वन मैरिड चाइल्ड तो चाइल्ड तो है आपकी कोई एक महिला हो गई इसकी मतलब इसकी सिस्टर हो गई और उसने एक शादी की तो ओनली वन मैरिड चाइल्ड जो कि आपका तो अभी हम अभी भी हम कुछ कह नहीं सकते हैं बस इतना पता है जे हैज ओनली वन मैरिड चाइल्ड आगे देखते हैं द नंबर ऑफ पर्सन बट बिफोर जे इज सेम एज आफ्टर ग्रैंड सन ऑफ जे दिमाग में लगा कि जे का ग्रैंड सन बन रहा है मतलब कि जे का ग्रैंड सन तीसरी जनरेशन में जाएगा मतलब अगर हमें ये पता लग जाए कि जे किस जनरेशन में तो कुछ चीजें मेरे पे हिट एंड ट्रायल करने के लिए आसान रहेगी कि नहीं रहेगी खुद सोचो जे फर्स्ट जनरेशन में ही जाएगा ये बात पता चल गई थ्रू दिस वर्ल्ड सिंपल ग्रैंड सन ऑफ जे मतलब जे फर्स्ट जनरेशन में ही जाएगा अच्छा सितंबर थर्टी डेज है ओ माय गॉड ओ माय गॉड हाँ यार सही कह रहे हो सही कह रहे हो सही सही कह रहे हो सही कह रहे हो अब मैंने ऊपर नीचे कर दिया कोई बात नहीं ये सुनो सॉरी अभी तीन पॉसिबिलिटी बनेगी यार ठीक है चलो थैंक यू बताने के लिए थैंक यू थैंक यू डी इज द ओनली डॉटर ऑफ ए अभी कह रहा है ए की एक लोटी डॉटर कौन है ए की एक लोटी डॉटर जो है जो है डी है यही तो बात कह रहा है कि डी इज द ओनली डॉटर ऑफ ए हु बॉट ऑन द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर ये लाइन पढ़ते ही मेरे दिमाग में हो जाएगा कि ए तो यही आएगा ना बच्चे तो जे की जो पॉसिबिलिटी बन रही थी तीन वो एक कट गई कट गई कि नहीं कट गई बोले ये बताओ कट गई दैट मीन कि जे कैन बी हेयर और एक पॉसिबिलिटी ये बन रही थी ना अब बना लेते हैं क्या जा रहा है कोई दिक्कत किसी को ये आपका ये है और जे आप कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होनी चाहिए थी ना भाई कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए थी यहां तक

ठीक है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आगे देखते हैं द अंकल ऑफ डी डी का कोई uncle है फादर इन फादर इन लॉ भी बन रहा है ये point अपने दिमाग में रखे रहना मैं बार बार बोल रहा हूँ फादर इन लॉ ऑफ एफ एफ का एफ के ससुर जी बन रहे हैं एफ के कोई ना कोई ससुर बन रहे हैं देखो द फादर इन लॉ ऑफ एफ अभी भी लेकिन ये नहीं पता है कि ए का सॉरी uh, डी का अंकल का कोई सिबलिंग हो सकता है या कैसे भी मुझे नहीं मालूम चाचा हो सकता है या मामा याद रखिएगा अंकल मतलब चाचा या फिर मामा ठीक है तो मम्मी का भाई तो मामा हो गया पापा का भाई तो चाचा हो गया तो अंकल दोनों तरफ से बनेगा यहाँ पे ये सब छोटी छोटी बातें को ध्यान रखने वाला होता है सर ए ट्वेंटी एट जनवरी भी तो हो सकता है ए ट्वेंटी एट जनवरी हो सकता है क्या देखें तो क्या बोला है ए के बारे में फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर में आ, मैं कह सकता हूँ बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल हम ए को बिल्कुल यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं तो पॉसिबिलिटी बन सकती है फिर तो फिर तो मुझे यहाँ पे ऐसा करो ना अगर तुम ए अट्ठाईस को अच्छा क्यों नहीं हो सकता लेकिन एक बार बताओ आ, इसी केस में बनेगा क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कंडीशन दी होगी चलो खैर एनी मैं एक कंडीशन और बना लूँगा फैमिली पे पहले फोकस कर लो अच्छा छोड़ो ये सब बातें छोड़ दो बिल्कुल सही बात बोली कि ये आपका 11 को भी हो सकता है अट्ठाईस को तो अभी छोड़ दो अभी सिर्फ फैमिली ट्रिप ही मैं फोकस कर रहा हूँ वो तो मैं एक, एक एक्स्ट्रा काम कर रहा था चलो देखते हैं आगे कुछ पता चल डी नीस डज नॉट बाय इन द सेम मंथ एज डी फादर देखिए इस चीज को डी की नीस बन रही है इसका मतलब डी की नीस बन रही है इसका मतलब कि डी का कोई भाई बहन कोई होगा उसने शादी की तो उसके बाद से डी की नाइस नीस बन गई ठीक है ए डज नॉट बाय एडजेसन टू टी हाँ बस रोमन रिंग्स क्यों बोल दिया भाई मेरे मैं इंतजार तो करने देते <laughs> बात तो गिवन है बिल्कुल गिवन है बट मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता था इस वजह से मैं अभी मंथ को छोड़कर मैं सिर्फ फैमिली ट्री पे फोकस करना चाहता हूँ कि फैमिली ट्री मेरी एक बार बन जाए तो चुटकियों में मैं अरेंजमेंट बना लूंगा ठीक है ना द नीस ऑफ डी डी नीस डज नॉट बाय मंथ डी का फादर अब मुझे कुछ नहीं मालूम आगे ठीक है जब D की niece पता चल जाएगी तो हम आगे देख लेंगे a does not have a sibling. Oh my God, बोल दिया कि a का कोई सिबलिंग नहीं है मतलब कि क्या है कि a का कोई सिबलिंग नहीं है तो a, इसकी जो बीवी होगी उसका एक भाई है जो कि डी का अंकल बन जाएगा अभी ये बात क्लियर है तो डी का अंकल भी हमको मिल गया देखो हम हम अभी हम सब चीज़ ऐसे लेके चल रहे हैं तो भाई समझ में आ रही? So करो और आगे बढ़ो <laughs> मोहित गुप्ता कह रहे हैं सर so, मेरे तीन कपल आ रहे हैं चलो फैमिली ट्री डन हो गए तो जरा आप लोग उस पर फोकस करेंट एडज लेटर जब हम लोग देखेंगे अरेंजमेंट में

इज द स्पाउस ऑफ ओम हो सी का बात आ गई सी की चर्चा आ गई जैसे ही सी की चर्चा आ गई तो यहाँ पे एक बात बोली गई सिस्टर ऑफ आई बॉट बिफोर डॉटर इन लॉ ऑफ सी सी की डॉटर इन लॉ भी बन रही है इसका मतलब ये हो जाएगा कि डी का कोई एक भाई बन रहा है उस भाई ने शादी कर ली तो वो डॉटर इन लॉ बन गई बात को समझना पे बात को समझना कि मैं कैसे को पकड़ रहा हूं कर रहा हूँ इस चीज को समझना और यही चीज समझने वाली भी है मैं वो पॉइंट ढूंढ रहा हूँ वो चीजें ढूंढ रहा हूँ वो चीज ढूंढ ढूंढा जिससे हम एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर सके तो जैसे डॉटर इन लॉ ऑफ सी मैंने पढ़ा तो सी का एक बेटा होगा और उस बेटे ने शादी की होगी अब यहां से डी की नीस बन सकती है ये बात हमको पता चल रही है डी की नीस हम ऐसे बना सकते हैं ना डी की नीस क्योंकि डी की नीस हमको पता था कि वर्ड यहां पे डी की नीस बन रही थी आगे देखते हैं स, आ, सी इज द स्पाउस ऑफ ए एंड मदर ऑफ ई क्या कहते हैं ठीक है इसका मतलब कि ये मदर है सी क्या है मदर है तो ये फीमेल हो जाएगी ये बातें पता हमें चल चुकी हैं इन जनरेशन मैंने बना दी ऑलरेडी ठीक है ना अब ई तो यहां आ जाएगा ना मदर बन रही है तो मैंने बना दिया जी इज नॉट द ब्रदर इन लॉ ऑफ डी ठीक है जी इज नॉट द ब्रदर इन लॉ ऑफ डी ए इज नॉट द ग्रेंड सन ऑफ जे एंड एच इज नॉट द नीस ऑफ डी अब इतनी बातें तो हमने कर ली थी स्ट्रक्चर हमने बना लिया बाकी का कनेक्शन कैसे करेंगे एक दो तीन चार पाँच छत लोग बना के बैठे हुए हैं हम पे पे हमने सात लोग को बना के बैठा हुआ है और क्या हमें नेक्स्ट कनेक्शन मिल रहा है थोड़ा सा एक बार गौर करोगे तो तुम्हें पॉइंट्स दिखने लगेंगे कि अब हम नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दिख रहा है देखो ध्यान से देखोगे तो दिखेगा <laughs> बताओ जल्दी बताओ भाई सारे सिलेक्शन में भाई जल्दी से बता दो कुछ तो कनेक्शन मिल रहा होगा कुछ तो कनेक्शन मिल दैट इज फादर इन लॉ ऑफ एफ एफ का फादर इन लॉ बन रहा है मतलब ससुर बन रहा है एफ का तो वो कैसे बन सकता है इस चीज को भी ध्यान देना है और हमें ये भी ध्यान देना है कि नंबर ऑफ पर्सन एक्सटेंड ना करें भाई हमको ये भी तो ध्यान देना है और दो तीन बातें यहाँ पे जैसे बोली गई थी कि जे आ, ग्रैंड सन जे का ग्रैंड सन जे का कोई ग्रैंड सन भी बन रहा है और जे का एक ओनली बना के रखा था कि ओनली uh, जे हैज ओनली वन मैरिड चाइल्ड ओनली वन मैरिड चाइल्ड देखो अब मैं बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे ये बात ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी कि ये जो मैरिड चाइल्ड है वही जे होगा ऐसे होगा कि नहीं होगा जे का जो एक मैरिड चाइल्ड है ये और इससे एक हमारे पास मेल आ रहा है दैट इज दिस अगर अब हम इस टोटल लाइन को बस यही तो मुझे समझाया था कि किस तरीके से मैंने एक पॉइंट को कनेक्ट कर दिया था दूसरे से यही एक पॉइंट मेन पॉइंट था जो कि आपके पूरे डायग्राम को कंप्लीट कर रहा है दैट इज एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस टोटल दस परसेंट का अरेंजमेंट यही बना रहा है और कहीं पे भी हम जे की प्लेसमेंट कर ही नहीं सकते अब मुझसे कह रहा है कि एफ का अम, ससुर बन रहा है ठीक है देखते हैं वो भी बनाएंगे अब बाकी की चीजों को भी देखेंगे क्योंकि मुझे पता है कि बी किसी ना किसी का चाइल्ड है तो देखते हैं ये भी बनाएंगे। और ये भी होता है सर एफ से सी को कनेक्ट करो एफ को सी से हाँ बिल्कुल एक पॉइंट दिया होगा यहाँ पे एफ के बारे में कि एफ इज द मदर ऑफ ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ सी देखो अब यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि एफ इज द मदर ऑफ द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ सी की एक लौती ग्रैंड डॉटर सी की एक लौती ग्रैंड डॉटर जो है वो यही है और एफ उसकी मम्मी है तो एफ यहाँ पे फिक्स हो जाएगा इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल सही बात बोली कैप्टन डेडपोल ने बिल्कुल सही बात बोली है बाकी की बातें देखो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे है ना बाकी की बात देखो यहां पे और क्या देखो सिस्टर आई एंड जी आर सिस्टर ऑफ आई आई की कोई सिस्टर बन रही है आई की सिस्टर तब बनेगी जब हमने आई को यहां प्लेस करना है तो आई की सिस्टर जब बनेगी तब बनेगी यही तो बात बोली है कि सिस्टर ऑफ आई सिस्टर ऑफ आई कब बनेगी जब हम आई को यहां रखेंगे जब हम आई को यहां रखेंगे बी एंड फादर ऑफ बी बी एंड फादर ऑफ बी कहा जाएगा बी कौन बता सकता है सॉरी <coughs> बताओ जी हस्बैंड ऑफ बी है बिल्कुल जी हस्बैंड बनेगा बट बन ये देखो ध्यान से कहां, पे, कहां क्या हो कहा फिर आए ये रे ये चीज कहां पे हो रही है ये लाइन कहां से पता चल गई कि जी इज द यहां से पता चली जी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सन ऑफ सी सी का कोई सन है सी का कोई सन है दैट इज दिस और इसका जीजा कौन बनेगा जीजा दैट इज जी बन जाएगा तो जी आपके सामने सिंपल लाइन तुम्हारे सामने दी हुई थी ये बहुत अच्छी बात है ये आप लोग पढ़ के बोल रहे हो कि जी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सन ऑफ सी का एक सन है दैट इज इसका जीजा कौन जी हो गया क्लियर है अब जो बचा है बस उन्हीं को पॉइंट को लिखना था इट दैट इज इज एच नॉट द नीस ऑफ डी डी की नीस एच नहीं है तो एच ये हो जाएगी बी ये हो जाएगा ये आपके सामने फाइनल आंसर आएगा बट एक और लाइन दी हुई है एक और लाइन दी हुई है जेंडर के बारे में कि आई एन जी आर ऑफ सेम जेंडर एंड अपोजिट टू जे दैट मीनस की आई एन जी जी अगर मेल है तो ये मेल है तो अपोजिट टू जे दैट इज फीमेल हो जाएगा और ये मेरा पूरा कंप्लीट डायग्राम जैसे ही ये मेरे पास चीज निकल के आएगी कितने लोगों ने मंथ बेस्ड भी बना लिया था पहले ये बता दो बन गया था सबका सीन यही डायग्राम बना था किसी और का कुछ अलग है सर आप जब एज आगे झोंक रहे माइक का साउंड इको हो रहा है ऐसा भी हो रहा है क्या यार हेलो हेलो अल्फा बीटा है क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या साउंड को लेके एक बार मैं अभी टेक चेक कर लेता हूँ अच्छा बी और एच का बता दे आ, देखो बच्चे आ, कैप्टन डेडपुल लास्ट लाइन तुमने शायद ध्यान से नहीं दिखी होगी एच इज नॉट द नीस ऑफ डी चलो मेरे पास ये लोग बचे अब मैं कह रहा है कि एच इज नॉट द नीस ऑफ डी डी की कोई ना कोई भतीजी बन रही है तो हम एच को यहाँ नहीं लिख सकते ये बात यहाँ से कह रहा है तो इसी पॉइंट से मैंने क्या किया है कि एच जब यहाँ नहीं है तो एच यहाँ रखो बी बच रहा है बी आपको यहाँ रखो ये तो बहुत छोटा सा तुमने डाउट पूछा था है ना थोड़ा भारी पूछो यार डाउट अब हम ध्यान से अगर ये देखिए हमने अगर पढ़ रखा है पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है मेरे दिमाग में ये दो बातें पता है कि कौन किसके नेबर में नहीं होगा तो अब यहाँ से चीजें समझ में आ रही होंगी तुम चाहते हो जैसे कि ए जो है मेरा यहाँ पे भी हो सकता था रोहित सर और ए मेरा यहाँ पे भी हो सकता था तुम बिल्कुल कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है तुम बनाओ बनाओ लेकिन तुम्हें चीजें दिखने लगेंगी एक एक चीज ठीक है जैसे ही फैमिली ट्री बनेगा जे बॉट द बाइक ऑन ऑड नंबर डेट एंड मंथ हैज एन ऑड नंबर तो हम बनाते हैं चलो तुम्हारी तरीके से बिल्कुल सिंपल अब मैं क्या करता हूं जे मेरा यहाँ आ सकता था बिल्कुल सर आ सकता था जे इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है जे मैं यहाँ ना लिखू तो कहा लिखूंगा फिर जे को मैं यहाँ पे भी लिख सकता था बिल्कुल और लास्ट में मैं जे को और कहीं लिख सकता था बिल्कुल अगर हम यहाँ पे देखे आ, तो मैं जे को यहाँ पे भी लिख सकता था ठीक है ना अच्छा बी एंड फादर ऑफ बी बी एंड बी का फादर दैट मीन्स बी और ई e. कह रहा है बी और ई e तो मेरे एडजेसेंट में आएंगे बिल्कुल रखेंगे अच्छा ओनली टू पर्सन आर अबाउट जे एंड सन ऑफ जे अब यहाँ देखो सन ऑफ जे जे का सन कौन है जी तो जे और जी के बीच में दो तो एक दो करके जी को मैं यहाँ लिखूंगा जे एक दो करके जी को यहाँ लिखूंगा डायरेक्ट लिखो ना एक दो करके जी को मैं यहाँ लिखूंगा कोई दिक्कत की बात नहीं है अच्छा द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर जे इज सेम एज आफ्टर द ग्रन ऑफ जे जे का जो ग्रैंडसन है दैट इज एच तो जे है तो एच यहां आ जाएगा जे यहां है तो एच यहां आ जाएगा जे यहा है तो एच यहाँगा तो तो कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए थी डी इज द ओनली डॉटर ऑफ ए हु बॉट ऑन द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर साल के पहले मंथ में पर डेट नहीं पता लेकिन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ए यहां आएगा यहां वाले केस में मुझे यह पता चल रहा है कि ए डज नॉट हैव सिबलिंग और एक बात है ए और जे के बारे में ए ए डज नॉट बाय एडजेसेंट टू जे जे तो 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 भी पता चल रहा है J ये है तो a तो यहीं आएगा ठीक यहां वाले केस में ए यहां आएगा तीनों केस लेते हुए चल रहे हैं देखो फैमिली ट्री बना ली एक तरफ हमने फैमिली ट्री बना ली उसके बाद हम तीन केस लेके चल रहे हैं सर प्लीज क्लियर आई इज अ सिस्टर पॉइंट रोमन रिय कह रहे हैं सर प्लीज क्लियर आई Uh, जब रोमन रीन तुम वीडियो को थोड़ा सा पीछे करोगे तो कह रहा था कि आई की सिस्टर आई की कोई बहन बनेगी देखो सिस्टर ऑफ आई बॉट बिफोर डॉटर अब आई की कोई सिस्टर बनना कहीं कोई जगह ही नहीं बच रही है कहीं कोई जगह नहीं बच रही कि आई की कोई सिस्टर बने दैट मीन्स कि आई की कोई सिस्टर बनेगी तभी जब हम आई को यहां प्लेस करेंगे अदरवाइज कोई ऐसा हमने स्ट्रक्चर बनाया नहीं था कि आई की कोई सिस्टर बने चीज को रोमन एक बार पीछे करो वीडियो तो तो जब मैं मैं आई आई को यहां लिख रहा तो यह बात मैं बोलूंगा कि आई की सिस्टर तभी बनेगी बन हाँ, अगर हम आई को यहां कहीं लिखते बट कजन की बात बोली नहीं चलो आगे बढ़ते हैं भाई मेरे आगे देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन मिलती है अच्छा द अंकल ऑफ डी बॉट एडजेशन टू द फादर इन लॉ ऑफ एफ अंकल ऑफ डी डी का अंकल कौन है आई ए तो आई वॉज फादर इन लॉ एफ का ससुर एफ का ससुर कौन है ए ए ए तो तो आई आई ये थर्ड वाला पता चल गया ना कि आई और ए एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो हटा दे अब ये वाला अभी हाथ में दो ही केस बन रहे मेरे पास ठीक है ठीक है, और जैसे ए और जे तो बनी नहीं सकता तो ये भी मेरा गलती हो जाना है ठीक है ये मैंने ध्यान नहीं दिया था इस चीज को मैंने कर देना है गलत कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को ठीक है आगे देखो डीज नीज डज नॉट बाय इन द सेम मंथ एज डी फादर डी का फादर कौन है ए है तो ए अगर जनवरी में जा रहा है तो डी की जो नीस है डी की जो दैट इज बी

आपको बी यहां लिखना पड़ेगा अट्ठाईस तारीख इकतीस और 28 यहां लिखना पड़ेगा जब डी तभी ये पॉसिबल है डी एक डेट है D एक even date है ऑफ ऑड नंबर डेज दैट इज इकतीस मंथ है इकतीस मंथ है बिल्कुल भी बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं डन हो गया वाई कांट एस ब्रदर वाई can't एफ ब्रदर आई सर एफ मतलब ये कह रही है कि कह रहा है ऐसे क्यों नहीं बन सकता सर है ना ऐसे क्यों नहीं बन सकता क्यों नहीं बन सकता इसके पीछे का रीज़न ये है आपने शुरू से वीडियो देखा मैंने स्ट्रक्चर बनाया था प्यारे बच्चे मेरे हम कर देंगे

क्योंकि एक यही चीज इस पूरे स्ट्रक्चर को फुलफिल कर रही है दैट इज आई हम आई यहां बनाएंगे तो नंबर ऑफ पर्सन इलेवन हो जाएंगे ना नहीं समझ में आया तो वॉइस थोड़ा इंक्रीज करिए रोहित कुमार कह रहे हैं वॉइस तो भाई यार डन रोमन रीन्स एक बार फिर से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या करना और वॉइस की कोई इशू आ रहा है क्या गाइस ससर बताना दिल से अगर सच सच नहीं बताओ बताओ वॉइस तो से कोई इशू आ रहा है क्या यार हम ही देख लेते हैं यार तुम लोग से क्या पूछेंगे ठीक है अंकल नहीं होगा फिर सही तो आ रहा है यार सही तो, 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 तो आ रहा है हाँ बिल्कुल वही मैं लेगिट मैं वही बात कह रहा हूँ लेकिन मैं वही बात कह रहा हूं कि बी का अंकल बनाना है तो हमें तो एक स्ट्रक्चर बनाया था ना मैंने शायद उसने पहले बीच में क्लास में ज्वाइन किया है जो कि गलत बात है ऐसे मत किया करो यार बीच क्लास में मत जुड़ा करो ए डज नॉट हैव द सिबलिंग एच नाइदर बट एडजेसेंट टू डी और जी तो एच ठीक है बिल्कुल सही बात है आई एंड द ठीक है सिस्टर ऑफ आई बट जी इज द ब्रदर इन लॉ ठीक है ए डज नॉट बाय एफ इज अ मदर इन द ओनली ग्रैंड द स्पाउस ऑफ जी ना इधर एडजेसन टू जी और जी सन स्पाउस ऑफ जी जी का स्पाउस कौन है जी का स्पाउस मतलब डी डी की बात कर रहा है स्पाउस ऑफ जी दैट इज डी ना इधर बॉट एडजेसन टू जी मतलब नहीं है और नॉर जी सन जी का जो सन एच तो बिल्कुल नहीं है यार जी तो यहां पे बिल्कुल सही बात है सी इज द स्पाउस ऑफ ए एंड जी इज नॉट द ब्रदर इन लॉ ऑफ डी हाँ डी का ब्रदर इन लॉ नहीं बन रहा ए इज़ ग्रैंड सन ऑफ जे बिल्कुल एक का एक साथ आने थे तो ई e तो यही आएगा ना ऑप्शन दो ही लोग तो बच रहे हैं एफ और सी uh, के बारे में कोई बात बताई गई है एफ और सी के बारे में बारे में कोई बात बोली गई क्या हाँ सिस्टर ऑफ आई ये वाली लाइन पढ़ो सिस्टर ऑफ आई बॉट बिफोर डॉटर इन लॉ ऑफ सी तो देखते हैं कि आई की सिस्टर कौन है सी तो कह रहा है कि सी से बिफोर कौन है कौन आ रही है बिफोर डॉटर इन लॉ ऑफ सी सी की बहू सी की बहू कौन है एफ है तो यहाँ पे सी लिखेंगे और यहाँ पे एफ लिख के हम लोग इस क्वेश्चन को डन करेंगे सिस्टर ऑफ आई बॉड बिफोर एफ बिल्कुल परफेक्ट दीपक शर्मा बिल्कुल परफेक्ट कोई दिक्कत नहीं है तो ये फाइनल आंसर बनेगा अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो जब भी कभी ब्लड रिलेशन आए तो हमेशा हिट करना है एंड ट्रायल करना है चीजों को और ढांचा मतलब स्ट्रक्चर बनाते हुए चलना है कि दस परसेंट से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए ठीक है ये दो छोटी छोटी बातें होती हैं आपको ध्यान में करते हुए जाएंगे बिफोर एफ हाँ बिल्कुल ओह ओ माई गॉड ओ माई गॉड ओ माई गॉड ये होगा होगा ये होगा ठीक है F पहले F से पहले से मतलब ऐसा बनना था ठीक है किसने लिखा है निहार बिल्कुल निहार सर उल्टा लिख दिया थैंक यू बता दिया मैंने कर दिया सही कर दिया ठीक है ना ठीक अगले सवाल में बढ़ते हैं ये आपके सामने अगले सवाल सुनो ये होगा केवल दो मार्क्स मतलब ये मार्क्स का और ये एक टाइम पूरा लेगा आपका इस, इस है कि नहीं देखो मैं ये नहीं कहता हूं कि पहले हमेशा ब्लड रिलेशन करो कि क्वेश्चन के हिसाब से चलो क्वेश्चन के हिसाब से चलने का मतलब ये हो गया कि हम एक क्वेश्चन तुमने देखा होगा पेड़ वाले क्लास में मैंने कहा था कि पूरा अरेंजमेंट कराने के बाद ब्लड रिलेशन बना तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की क्या क्या लैंग्वेज बोल क्या रहा है एक्चुअली लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन की भाषा क्या कह रहा है हमसे क्या करवाना चाह रहे हैं पहले पर हाँ जब ऐसी सिचुएशन आए कि ना कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि फैमिली ट्री बनाए कि पहले अरेंजमेंट करें तो पहले फैमिली ट्री बना लो क्योंकि फैमिली ट्री बनाने के बाद इतनी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अरेंजमेंट में कि जिसका कोई जवाब नहीं तो मेरी प्रियोरिटी जो हमेशा रहती है कि ब्लड रिलेशन को पहले कंप्लीट करे बट ऐसा सच कोई कंपलसरी नहीं कि हमने कह दिया तो लक्ष्मण रेखा हो गई है ठीक है <laughs> ठीक है इस क्वेश्चन में देखो मैं कोशिश करता हूं कि एक ही पेज में देखो यहां कह कहता है द सिंबल विच आर आइदर प्रिडेड बाय फॉलोड बाय डिजिट इज अरेंज before आर in the same order क्या कह रहा है कह रहा है ऐसे symbols को उठाओ जिनके पीछे डिजिट्स हो क्या हो डिजिट हो ऐसे सिंबल उठाओ जिनके आगे डिजिट हो पर पर आइदर का मतलब क्या हुआ ऐसा नहीं कि एक सिंबल यहां पे भी डिजिट और यहां पे भी डिजिट ये नहीं होना चाहिए डिजिट मतलब कोई भी डिजिट हो सकती है लाइक थ्री एंड फोर भी हो सकता है फोर एंड थ्री कुछ भी हो सकता है But, आगे पीछे नहीं होना चाहिए तो ऐसे कितने सिंबल निकल के आ रहे हैं जैसे कि 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 ये 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 वाला 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 आया जैसे 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 कितने सिंबल निकल के आए इसी ऑर्डर में बोला ना सेम ऑर्डर में बिफोर आर आर के बिफोर तो पैटर्न क्या बनना चाहिए था तुम बताओ इतना तो तुमको पता चल गया ना तो इसी ऑर्डर में मतलब पहले एट द रेट है ना फिर परसेंटेज मैं स्टेप वन लिख रहा हूं ध्यान से देखो फिर पावर फिर एक्सक्लेमेशन मार्क फिर लिखेगा आर फिर लिखेगा वन बट एट द रेट तो मूव हो चुका है एट द रेट जी फोर जे वाई स्टार क्यू टू एल डॉलर एस प्लस ओ थ्री पी एफ डब्ल्यू फाइव परसेंटेज तो मूव हो चुका है नहीं लिखेंगे आगे चलेंगे ई एट बी क्वेश्चन मार्क ए नाइन पावर तो मूव हो चुका है एन एम एक्सक्लेमेशन भी मूव हो गया सेवन ये प्रॉपर स्टेप बनाएगा आपके साथ ठीक है, थीक है। अच्छा अच्छा मेरा क्वेश्चन जो पूछा है मुझसे दोनों फाइनल अरेंजमेंट की बात कर रहा है देखो इन द फाइनल अरेंजमेंट इन तो हमें स्टेप टू भी बनाना पड़ेगा स्टेप टू भी आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप वन इफ द डिजिट इज फॉलोड बाय कंसोनेंट देन द डिजिट आर अरेंज आफ्टर एम इन द असेंडिंग ऑर्डर सर दो के बाद एल है या एल ये आ, ये दो के बाद ये क्या है इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल लेटर एल कैपिटल इसको कहते हैं स्मॉल लेटर ठीक है तो तुम चाहते हो अगर इसका एक्सप्लेनेशन तो अपना लैपटॉप ओपन करके एक बार कैप्स लॉक दबा के एल लगाना और बिना एक बार कैप्स लॉक दबा के एल लगाना पता चल जाए कि एल है कि वो क्या है ठीक है ना बिल्कुल अधिकांश बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं कह रहा है कि इफ द डिजिट आर फॉलो अच्छा अब तुम बताओ मुझको कि ऐसे कितनी डिजिट्स हैं <coughs> 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 देखो मैंने स्टेप वन तो कंप्लीट कर दिया अब स्टेप वन के बाद जो मेरे सामने आंसर आया है ऐसे कितने डिजिट मैं हाईलाइट पे निकाल देता हूँ हाईलाइट में कि इफ द डिजिट इज फॉलोड बाय कंसोनेंट देन द डिजिट आर अरेंज आफ्टर एम तो मैंने कहा कि जैसे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है वन ये वन है एक्चुअली आप लोग कंफ्यूज uh, मत हो जाना मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये एल है टू के बाद ये एल है तो एल है तो थो थोड़ा मोटा कर देना तो तुम समझ जाओगे कि क्या है ठीक ना तो आपके सामने एक ये निकल के आ रहा है ठीक है और आपके सामने फोर जे, एक ये निकल के आ रहा है ध्यान से देखते जाना वन फोर, और निकल के आ रहा है थ्री और पी थ्री और पी और आठ और बी आठ और बी आ का रहा है और नाइन और एन आ रहा है नाइन और एन बिल्कुल इस लाइन को वेरीफाई करा रहा है तो हमें यहाँ पे जो फाइनल स्टेप निकल के आएगा मेरे सामने वो निकल के आएगा मतलब मैं जैसे कि मैंने लिखा इन्होंने अरेंज आफ्टर एम इन असेंडिंग ऑर्डर एम के बाद तो लास्ट में जो बनेगा मैं एक तो पहले उसको पूरा उतार लूँ कि एट द रेट परसेंटेज पावर एक्सक्लूजन मार्क आर और ये वन तो मूव कर जाएगा तो जी एज इट इज फोर भी मूव कर जाएगा जी एज इट इज वाई स्टार क्यू टू ये एल है तो ये ऐसे रहने दो है ना अरे ये टू भी तो है कि नहीं है नहीं टू नहीं है टू नहीं है डिजिट फॉलोड बाय कंसोनेंट है डिजिट फॉलोड बाय कंसोनेंट ये इसके हिसाब से टू को भी लेना पड़ेगा भाई अगर ये एल ले रहे हैं तो अगर ये एल है तो ये एल है कि क्या है यार कंफ्यूज हो गए यार जब देख लेते हैं एक बार हम ही एल ही है वो तो लेना पड़ेगा ना ये भी तो काउंट करो ये वाला ये एल है तो लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा टू एट फर्स्ट का सेवन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा बिल्कुल लेना पड़ेगा ना ये टू यहां से हटा दो अगर क्योंकि ये बोला आप, the digit followed by consonant. दिजित, एक दिजित है आप एक जिसके आगे आपका एक कंसोनेंट है दैट इज एल दैट इज कंसोनेंट एल ठीक है भाई बताओ लेना पड़ेगा ना ठीक है तो यहां पे हम टू को नहीं लिखते हैं यहां पे हम एल को लिख लेते हैं ऐसे एल है ये फिर डॉलर है फिर एस प्लस ओ तो थ्री नहीं लिखेंगे पी एफ डब्लू क्योंकि ये वाला इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बॉबल है फिर ये बी क्वेश्चन मार्क ए नाइन नहीं लेंगे एन एम और सेवन टू एज इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे कैपिटल ऑफ ऑफ लेटर लेटर एल एल एंड स्मॉल इज सेम सर जी आई 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 है है वो नहीं आई नहीं अच्छा एक बार देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ अच्छा रुक जाओ मैं दिखा देता हूँ एक बार के लिए एक बार अगर आई है तो फिर तो बात ही अलग हो जाएगी ना एक बार देख लेता हूँ मैं भी खुद कैप्स में दबाया तो एल ऐसे आएगा और बिना कैप्स किया तो एल ऐसे आएगा सही तो है यार आई ये आई नहीं है ये आई नहीं है बेटा ये एल है सभी लोग अपने लैपटॉप में ट्राई करो अच्छा एक बार मैं एक बार फिर से आई के साथ लेता हूं कि आई के साथ ये आता है और स्मॉल लेटर के साथ आई ये आता है अच्छा सुनो आई होता ना बच्चे मेरे तो आई ऐसे आता है देखो आई ये होगा और ये रहा आई ऐसे आएगा हमेशा जब भी आप टाइप करोगे तो बेटा वो आई नहीं है गलती मत करो ये आई नहीं है टू के बाद जो दिया है वो एल दिया हुआ है और ये सब कैपिटल में ही है गजब भेजती है एल आई सब कैपिटल में है सर बिल्कुल कैपिटल में है तो अगर ये कैपिटल में इसको लोगे देखिए सारे कैपिटल में है क्या कोई भी स्मॉल लेटर में नहीं है एक भी स्मॉल लेटर में नहीं है तो भैया ये एल नहीं है तब तो तब तो ये एल नहीं है ये क्या है क्योंकि इसको कैप में आई लोगे तो उसको आई लेना पड़ेगा भाई ये आई ऐसा होता तो है नहीं वैसे टाइप करा जाए तो ये अगर मैं कीबोर्ड में टाइप करूं तो आई ये होता नहीं तो उसको मुझे आई बनाना पड़ेगा अब ऐसे ये बन जाएगा आई जब ये आई बन जाएगा तो तो फिर मुझे यहाँ पे इसको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं आपको लाइव करके आप देख सकते हो यार अगर सभी चीजें हमारे पास जब कैपिटल में दी हुई है तो कैपिटल में ही अगर हम एल की बात करेंगे तो ये ऐसे आता तो इसको भाई थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा यहाँ पे ये आई है ये एंड गेम मतलब जिन्होंने बताया है मैं कह सकता हूं कि ये आई है तो जब ये आई ले लेंगे तो यहाँ पे ये टू आई आएगा ही आएगा इतने में ठीक है ना टू आई और ये डॉलर ये पूरा बनेगा और जब हम अरेंजमेंट की बात कर लेंगे यहाँ पे तो ये आपके सामने आएगा लास्ट में वन थ्री फोर एट नाइन अरेंजमेंट में करेंगे तो वन थ्री फोर एट नाइन अभी मैं लाइव करके दिखा दूंगा चिंता ना करें ठीक है सबसे पहले तो मैं सब चीज बता दूंगा प्लीज प्लीज परेशान ना हो मैं अभी एक बार करके फिर से बता दूंगा कि कैसे क्या कर मैं क्या बता रहा हूँ वॉट इज द सम ऑफ डिजिट विच आर वोवेल इन द फाइनल अरेंजमेंट जो फाइनल अरेंजमेंट है उनमें देखा जाए तो दो प्लस आई आ, दो और आई ये अगर वोवेल है तो दो और आई फाइव और ई एक ये आ जाएगा आपके सामने तो दो प्लस पाँच छः सात सात इज द करेक्ट आंसर सेवन इज द करेक्ट आंसर अगर मैं सारे सिंबल्स को हटा दूं नंबर से सर फाइनली बताओ क्या है वो अरे बच्चे अब मैं तुम लोग को फाइनली बता ही दूँ मेरा दिमाग खाओगे इससे अच्छा मैं तुम लोग को सबसे पहले दिखा दूं ठीक है ना सबको दिख रहा है क्या खोलूं यहीं खोल लेता हूं यार देखो इधर देखो मैं कैप्स लॉक ऑन किया है तो ये मैंने आई दबाया ऐसे आ गया है कैप्स में देखो कैप्स में आई ये ऐसे आ गया है एल ये आ हाँ गया कैप्स में एल ये है कैपिटल लेटर में एल ये है ठीक है इसी में कंफ्यूजन अब मैं कैप्स ऑफ कर रहा हूं तो आई ये है और एल ये है ठीक है सुनो ठीक <laughs> है ये पोर्शन प्लीज ध्यान से समझ लो प्लीज सुन लो <laughs> ये कैपिटल लेटर्स की बात कर रहा था और ये स्मॉल लेटर्स जिसमें हम बात करें और यहां पे मेरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ऑल लेटर आर इन कैप्स ऑल लेटर आर इन कैप्स तो अगर हम कैप्स फिर से ऑन करें और आई दबाए तो ये आएगा और एल दबाएंगे तो ये आएगा सो एट फाइनल व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस कान पकड़ के जूता गेस <laughs> आया समझ में अब कोई प्रॉब्लम भैया अब समझ में आ गया ना ठीक है अब मैं फाइनल इसका आंसर बताता हूं फाइनल इसका आंसर क्या है लास्ट वाले का ठीक है अब <laughs> ठीक है देखो इसमें कह रहा था सभी के सभी सिंबल्स को डिलीट कर दे एंड नंबर्स को अरेंज कर दे असेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट एंड फॉर द फॉलोड बाय द लेटर इन द सेम ऑर्डर देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी द एटीन फ्रॉम द राइट एंड तो यहाँ पे ये काम कर दिया है राइट right एंड से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन एटीन आपका एट इज द करेक्ट आंसर नाइन के बाद सेवन को इग्नोर जैसे किया आपने मेरी क्रश भी मुझसे वैसे ही इग्नोर मारती है ए अब तो लगिट तुम्हारे क्रश के ही जलवे हैं सरकारी नौकरी लिए बैठे हो हैं तो क्रश क्यों मारेगी तुमको इग्नोर कहेगी आ जाओ भाई लगित अब तुम सरकारी लौंडे हो गए हो हम तुम्हारी बहुत इज्जत करेंगे चलो तो भाई सभी लड़कों से सिर्फ यही है अगर जिंदगी में इज्जत चाहते हो तो भैया सरकारी नौकरी पे फोकस करो ठीक है अन्ना लगे जैसे लड़कियां फिर इग्नोर करेंगे तुमको ठीक है ठीक है कल आओगे कि नहीं आओगे पहले हूँ तो, कल की क्लास में आओगे कि नहीं आओगे हम लोग कल क्या करने वाले हैं यह है कल की क्लास का शेड्यूल मैट्रिक्स बेस्ड पजल एक हम लोग करेंगे देखते हैं मैट्रिक्स बेस्ड पजल में हमको क्या मिलती है कल और एक दो बेस्ड पजल करेंगे ठीक है ना दोनों क्लास में आओगे कि नहीं आओगे ठीक है तो कितने बजे कल आओगे सेवन पीएम पर आओगे अच्छा इस क्लास से किसी को डाउट हो तो मैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो पेड की कल क्लास क्या होने वाली है डायरेक्शन वाली क्वेश्चन होने वाली है जिसमें बस टाइप है और ब्लड रिलेशन चॉकलेट टाइप हम लोग करेंगे ठीक है आ लगता है पराग क्लास में नहीं है क्या पराग है तो क्लास में पराग भाई मैं तुम्हारा वो तुम्हारा ओनली फ्यू वाला कल हम इस पर थोड़ी और चर्चा कर लेंगे तुम परेशान ना हो क्योंकि आ, मैं बताऊंगा तुम्हें क्योंकि आ, उसमें आ, का इंटरचेंजिंग थी बस बाकी आ, देख लेंगे अभी हम उसमें ठीक है परेशान ना हो पराग भाई चलो चलो बाय बाय टेक केयर है वन चलो कल क्लास में आना और सुनो वीडियो के बाद कमेंट भी बनता है भाई कमेंट भी कर दिया करो तो यार ठीक है ना चलो बाय